सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे यार वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही क्विक अपडेट कि इस बार भी YouTube इंडिया ने दोस्तों चूज किया, लिस्ट किया टेक्निकल गुरुजी ने दोस्तों हमारे अपने चैनल को इंडिया का नंबर वन टेक चैनल। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे ये आप सभी के प्यार और सपोर्ट का ही रीजन है कि जब से हमने चैनल अपना स्टार्ट किया दोस्तों उसके बाद से ही हर साल हम हमेशा से ही नंबर वन पोजिशन पे रहे हैं। तो ऐसे में मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, साथ में दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मतलब हमारा अपना पूरा सीन है और ऐसे दोस्तों आपके पूरे प्यार की ताकत है। अभी ऐसे में आगे भी कोशिश करेंगे कि हमेशा से ही ऐसे ही लिस्ट में ऊपर बने रहें। अगर दोस्तों बात करते हैं जल्दी से पहले पुराने पोल की, तो भैया यहाँ पे सवाल था कि आप आखिर YouTube पे वीडियोस को कैसे एंजॉय करते हैं। तो मेजोरिटी ने कहा आप में से कि भैया हम लगाते हैं ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स, फिर आते हैं लोग जो भैया यूज करते हैं सीधा फोन के स्पीकर को, कुछ कॉन्टेंट के हिसाब से भैया करते हैं चेंज अपना मूड, और बाकी है कुछ गिने चुने जो सुनते हैं ब्लूटूथ स्पीकर पे वीडियोज को। आज का दोस्तों खैर ऐसे में सवाल ये है कि भैया Xiaomi की तरफ से आ गया है अभी Redmi K30 और K30 5G, तो आपके हिसाब से इस फोन के बारे में क्या है आपके मन की बात, अच्छा है या नहीं है बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में। दोस्तों आज तो भैया है खास दिन, आप सभी का ही है बहुत ही कमाल से एक्सचेंज, तो बस लाइक को भी एक्सचेंज कर ही दो। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को निकल के दिखाते हैं अपने वावे के P40 को लेके, और ये इसका ये एक मैं बोलूं तो रेंडर निकल के आया है सामने कि भैया ऐसा हो सकता है P40, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी तो खैर लगता है टाइम है इसको, ये लॉन्च होगा शायद MWC के आसपास फरवरी वगैरह के महीने में। अभी लेकिन देखते हैं खैर कि वावे जो है वो अभी कैमरा में और क्या नई छलांग लगाता है P40 के साथ में। बात तो करते हैं अगले अपडेट को लेके, तो यहाँ पे सरकॉस ने दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट किया है एक ऐसा पावर्ड एग्जोसूट जिसको अगर आप पहन लें तो मतलब आप खैर आयरनमैन तो नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप काफी भारी जो वजन है वो उठा सकते हैं बड़े आराम से। मतलब एक उंगली से आप उठा ले 10-20-50 किलो दोस्तों, ऐसे में ये आपकी मसल्स को सपोर्ट करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जो दोस्तों कुछ ऐसे एनवायरमेंट्स हैं जहां पे लोगों को काफी भारी सामान उठाना पड़ता है तो वो ये सूट पहनने के बाद में बड़े आराम से लिफ्टिंग कर पाएंगे। बात दोस्तों करते हैं अगले अपडेट को लेके, तो Amazon जो है वो अभी दोस्तों प्लान कर रहा है अपने पहले स्मार्ट लाइट बल्ब का। अभी ऐसे में इसमें स्पीकर होगा या स्मार्ट लाइटिंग होगी या सेंसर होगा या वाईफाई होगा या दोस्तों क्या होगा भैया ऐसे में एग्जैक्टली स्मार्ट, वो अगर हम देखते हैं जब करता है Amazon अनवील अपने इसी नए बल्ब को। बात दोस्तों करते हैं अगले अपडेट को लेकर, तो Sennheiser जो है वो इंडिया में दोस्तों लॉन्च कर चुका है अपने प्रीमियम हेडफोन्स जो कि है मोमेंटम वायरलेस 3, और जो कीमत है वो है 34,990 रुपए। अभी यहाँ पे ये दोस्तों डेफिनेटली Sennheiser आप जानती है दोस्तों एक प्रीमियम ब्रांड है और उसके ये काफी अच्छे पॉपुलर सीरीज दोस्तों यहाँ पे नया वर्जन है इन्हीं हेडफोन्स का। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आपके लिए एक्साइटिंग हो सकते हैं। मैं तो खैर अपने एयरपॉड्स और उसके अलावा सोनी का जो है वही सब यूज करता रहता हूँ। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेके, तो Antutu जो है वो लेके आया था दोस्तों यहाँ पे लिस्ट नवंबर के महीने में कि भैया वो टॉप 10 स्मार्टफोन्स कौन से थे जो रहे बेंचमार्क में सबसे आगे। तो यहाँ पे भैया सबसे ऊपर है ROG Phone 2, उसके बाद में है ऐसे में OnePlus 70 Pro, और ऐसे दोस्तों लिस्ट जो है वो नीचे आती रहती है जहाँ पे Realme X2 Pro का भी नाम है इस लिस्ट में चौथे नंबर पे। आपके फोन के बेंचमार्क के स्कोर कितने हैं अगर आपने कभी यूज किया हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता ही दो। बात दोस्तों करते हैं अगले अपडेट को लेके, तो कोलकाता पुलिस जो है वो प्लान करती है कि CCTV कैमरास लगाए जाएं, साथ में AI को यूज किया जाए, तो ऐसे में जो क्राइम है उसको बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यार ये एक अच्छी बात है, अभी देखते हैं दोस्तों इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। लेकिन अगर देश भर में हम पूरे कनेक्टेड डिवाइसेस को यूज करें तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की मदद से क्राइम को एडवांस में हम रोक पाएंगे, या फिर अगर कोई क्राइम हुआ हो तो क्रिमिनल्स को पकड़ भी पाएंगे। देखते हैं एग्जैक्टली कोलकाता में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। यहां दोस्तों अगली खबर निकल के आती है Realme X50 5G को लेके, उसके दोस्तों कुछ रेंडर सामने आ गए हैं की स्पेक्स के साथ में, जहां पे मालूम चलता है कि इसमें होगा स्नैपड्रैगन 765G वाला 5G वाला प्रोसेसर। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि कब लेके आता है Realme इस फोन को और आखिर किस कीमत पे। अगला अपडेट निकल के आता है यहां पे Oppo की तरफ से, जहां पे दोस्तों जो Oppo का वो इनो डे था उस दिन Oppo ने काफी कुछ नया खैर शोकेस किया, लेकिन यहां पे दोस्तों बात
कर रहा हूँ ओप्पो के एआर ग्लासेस के लिए, दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक से लगते हैं और ऐसे में ओप्पो का ये मानना है कि ये आगे 3D में उसके अलावा एआर वीआर में काफी और बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकेंगे। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि ये नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए मार्केट में कब तक आ पाते हैं। अगला अपडेट उसमें निकल के आता है यहाँ पे 16 इंचेस वाले मैकबुक प्रो को लेके, इंडिया में दोस्तों ये सेल पे जा चुका है। इसके 2 अलग अलग वर्जन है, 2 लाख और 2 लाख 40 हजार रुपए के i7 और i9 का दोस्तों आपको मिल जाता है ऑप्शन। मेरे पास में यहाँ पड़ा है बैग में पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से, मौका मिल नहीं पा रहा है इतना कि मैं उसको खोल के निकाल के आपके लिए अनबॉक्सिंग बना पाऊं, लेकिन जल्दी आप देखेंगे वीडियो मैकबुक प्रो 16 इंचेस के अनबॉक्सिंग की। बात दोस्तों करते हैं अगले अपडेट को लेके, तो Xiaomi जो है वो दोस्तों भी जो आज लॉन्च उसने किया अपना Redmi K30 और K30 5G, तो उसके साथ साथ में Redmi की तरफ से कुछ और भी प्रोडक्ट्स भी आए हैं जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक AI स्पीकर की, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक राउटर भी है। कीमत काफी कम है, स्पीकर है करीब 800 रुपए के आसपास, राउटर है करीब 1700 रुपए के आसपास, लेकिन ऐसे में देखते हैं कि ये Redmi ब्रांडिंग के साथ में इंडिया में आते भी हैं या नहीं। अगला अपडेट दोस्तों निकलता है यहाँ पे Realme XT के वो 730G वाले वेरिएंट को लेके, इंडिया में दोस्तों उसका नाम होने वाला है Realme X2। ये एक फोटो निकल के आई है सामने दोस्तों, ऐसे में जो हरा रंग है वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग सा लग रहा है और यहाँ पे हमको स्टार वॉर्स का भी इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, तो मतलब क्या कोई स्टार वॉर्स एडिशन होगा या सिंपल फोन में ही स्टार वॉर्स की कुछ थीम वगैरह मिलेगी। एग्जैक्टली देखते हैं क्या होता है जब करता है Realme लॉन्च इनको 17 दिसंबर को। अगला दोस्तों निकल के आता है यहाँ पे Asus ROG फोन 2 को लेके, इसका जो 12GB दोस्तों वेरियंट है वो अभी इंडिया में सेल पे जाने वाला है 11 दिसंबर से। मतलब में जो 8GB दोस्तों वर्जन था वो काफी कॉम्पिटिटिव था अपने प्राइस के हिसाब से। अभी देखना ये है कि मार्केट में दोस्तों क्या रहेगा सपोर्ट इसी 12GB रैम वेरिएंट को लेके, जहां पे हमको स्टोरेज जो है वो भी ज्यादा मिल जाती है, साथ में जो चार्जर है वो भी ज्यादा और तेज स्पीड से करेगा फोन की बैटरी को रिचार्ज। वैसे क्या आपके अभी किसी फ्रेंड के पास में ROG फोन 2 है क्या, तो बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। अगला अपडेट उसमें निकल के आता है यहाँ पे Redmi K30 K30 5G को लेके, भैया कमाल फोन्स लॉन्च कर दिए हैं ऐसे में Redmi ने कमाल कीमत के साथ में। 64 MP का क्वाड रियर कैमरा, 120Hz का डिस्प्ले, 4500mAh की बैटरी, 6 दोस्तों कैमराज हैं, 4 पीछे हो गए हैं, 2 आगे भी लगे हैं और ऐसे में दोस्तों प्रोसेसर जो है वो है 730G और 765G 4G और 5G वेरिएंट्स के हिसाब से। मैं इस प्ले एक वीडियो बनाई चुका हूँ, शुरुआती कीमत है वो आती है 16,000 4G वेरिएंट के लिए और करीब 20,000 5G वेरिएंट के लिए। इंडिया में देखते हैं बस अब ये कब आते हैं और किस कीमत पे आते हैं, मेरे ख्याल से जब भी आएंगे काफी धमाल मचा ही देंगे। दोस्तों यहाँ पे लास्ट अपडेट निकल के आता है एयरटेल की वाईफाई कॉलिंग को लेके, और यहाँ पे दोस्तों इसको दिल्ली NCR में शुरू कर दिया है एयरटेल ने, जहां पे खैर फिलहाल के लिए जो फोन की कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड सी है और ऐसे दोस्तों फिलहाल ये सिर्फ एयरटेल ब्रॉडबैंड वाले वाईफाई के ऊपर ही काम करेगा, लेकिन आगे चल के एयरटेल इसको एक्सपैंड करने वाला है। तो यार ये काफी अच्छी बात है कि अगर आप कहीं पे इंडोर्स हैं, अगर फोन का नेटवर्क नहीं आ पा रहा है लेकिन अगर आपके पास में एक अच्छा वाईफाई नेटवर्क है तो आप उसके थ्रू कॉल्स कर पाएंगे, तो जो क्वालिटी है वो काफी आपको अच्छी मिलेगी कॉल्स की। देखते हैं आगे कि ये कैसे कैसे एक्सपैंड होता है अलग अलग फोन्स या फिर अलग अलग ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अक्रॉस। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।